ये देखो, ये एक नाइन्थ का बच्चा जो फाउंडेशन का कोचिंग करता है वो इसको कर सकता है, छोटा सा बच्चा इसको। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मतलब ये फाउंडेशन में इस टाइप के क्वेश्चन नाइन्थ में ही पढ़ाए जाते हैं। तो ये एक आसान क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज आर। चलो एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस आर है, तो एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस मान लो आर है, इट्स मेल्ट एंड स्ट्रेच टू एन टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ। अगर इसकी लेंथ एल है, मैंने इसको मेल्ट किया और मेल्ट करने के बाद इसको नया वायर बनाया स्ट्रेच, जो एक्चुअल का पहले का एन टाइम्स है। तो भाई पहले का अगर एन टाइम्स है, लेंथ बढ़ाओगे, नया लेंथ एल डैश दैट इज एन टाइम्स ओरिजिनल और रेजिस्टेंस आर डैश, एरिया क्रॉस सेक्शन ए होगा, तो ये एरिया क्रॉस सेक्शन ए डैश हो गया होगा, ठीक है। तो ये, तो अगर इसकी रेजिस्टेंस आर थी तो इसकी रेजिस्टेंस आर डैश हमें निकालना है इसके टर्म में, एन मतलब एक्चुअल एन और आर के टर्म में हमें निकालना है। चलो तो इमेजिंग ये देखो, ये जो वायर है, इस वायर अगर मैं पहले इसका रेजिस्टेंस लिखता हूँ, तो इसका रेजिस्टेंस लिखूँ तो रो एल अपान ए आ जाएगा ये, और अगर मैं इसका रेजिस्टेंस लिखता हूँ आर डैश तो रो एल डैश अपान ए डैश ये आ जाएगा, ठीक है। तो रो क्या है, रेजिस्टिविटी है, जो कि मटेरियल प्रॉपर्टी होती है, वो चेंज नहीं होगा बच्चों। और अगर इनमें और इसका वॉल्यूम भी सेम रहेगा, जैसे मान लो अगर ये एक केजी का वायर था, एक केजी सोना था, तो उसको एन टाइम्स लेंथ बढ़ा दी तो दो केजी थोड़ी हो जाएगा मेरे भाई, तो इसका मास इसका वॉल्यूम सेम रहेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम पहले वाले का वॉल्यूम अब मुझे क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि रो लेंथ एन टाइम्स और एरिया क्रॉस सेक्शन नहीं पता है इसका, तो एरिया क्रॉस सेक्शन दोनों का वॉल्यूम इक्वेट कर दूँ, तो पहले वाले का वॉल्यूम बोलो कितना होगा, पहले वाले का वॉल्यूम वी वन और दूसरे का वी टू इक्वल होगा, पहले वाले का वॉल्यूम एरिया क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाई लेंथ एल, एरिया क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाई लेंथ एल, और दूसरे वाले का आ जाएगा एरिया क्रॉस सेक्शन ए डैश लेंथ एन एल, तो ये एल ने एल को खत्म कर दिया, तो एरिया ए डैश आ जाएगा ए अपॉन एन। मतलब ऑब्वियसली देखो, अगर लेंथ बढ़ाओगे, कॉमन सेंस की बात है, लेंथ बढ़ाओगे तो एरिया क्रॉस सेक्शन घटेगा, पतला तो होगा ना भाई, ठीक है। तो यहाँ से जो रेजिस्टेंस आ जाएगा, तो एक ए डैश की वैल्यू डाल दो, तो रो एन एल और ए डैश की वैल्यू ए अपान एन, तो फाइनली जब इसको सॉल्व करोगे, फाइनली इसको सॉल्व करो तो देखो कितना आता है, तो इसको मैं एन स्क्वायर साइड में ले लिया और रो एल अपान ए, और ये एक्चुअली एन स्क्वायर, ये जो चीज़ है एक्चुअल रेजिस्टेंस आर है दैट इज आर डैश, ठीक है। तो फाइनली बच्चों जो मुझे मिलने वाला है, ये वाला मिल जाएगा मुझे एन स्क्वायर आर, दिस इज द फाइनल रेजिस्टेंस ऑफ द न्यू वायर एन स्क्वायर आर, यू रिमेंबर इट, ठीक है, इट्स वेरी यूजफुल। चलो ये कहता है पोटेंशियोमीटर हैव एक्यूरेट एंड वेरी